आप सभी को नमस्कार। देखिए हम तीनों लोग चल दिए हैं जंगल में, सरकारी नर्सरी है ये, बोरा लेके दो बोरा पेड़ भर के हम लोग लाएंगे ताकि मानसून के मौसम में खूब सारे पौधारोपण किया जाए, खूब सारे पेड़ लगाए जाएं, खूब सारा पौधारोपण किया जाए। तो देखिए बहुत दुर्गम रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, संजीत भाई अच्छे चालक हैं, मोबाइल मत गिराइएगा पानी में। देखिए ऐसा अगल बगल के लोग कहते हैं कि ये नेपाल के राजा की ज़मीन है, काफ़ी बड़ी फील्ड है, बहुत ही अच्छा इसको पे यहाँ पे पेड़ लगाने का दो चार बार प्रयास भी किए हैं कि, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं, बहुत भैंस हैं सब, तो वो पेड़ जो है नुकसान कर देती हैं सब। देखिए देवरिया बाईपास चौराहे पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग उसमें जंगल के साइड। ये वनशक्ति माता का मंदिर है, देखिए यहाँ से हम लोग प्रवेश लेने वाले हैं। और देखिए ये जंगल का प्रारंभ हो चुका है, तो पेड़ लगाइए तभी जंगल देखने को मिलेंगे। बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, मानसून का मौसम है, बहुत खुशी होगी आप पेड़ लगाएंगे तो, पर्यावरण के सहयोग में अपना योगदान देंगे तो बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे कि आपने भी प्रकृति के उन्नयन में कुछ योगदान दिया है। लेने को तो सब लोग ले रहे हैं, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा, बाहर की अपेक्षा यहाँ कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर कम होगा लोग के अनुमान के अनुसार। किसी भी पेड़ के नीचे आप आते हैं तो तापमान जो है वो अपने आप से ही कम हो जाता है, जितना सामान्य तापमान रहता है उससे बहुत कम हो जाता है तापमान, राहत देने के लिए पर्याप्त होता है। अभी आगे रेलवे क्रॉसिंग आने वाली है जिससे होके हमारे आगे जो हम लोग गुजर रहे हैं इससे दाहिने साइड देवरिया और बाएं साइड गोरखपुर शहर। देखिए ये बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत ही हम लोग कठिन रास्ते से गुजर रहे हैं, काफ़ी कचरा हुआ है, जैसा कि आप जान रहे हैं बारिश चल रही है तो मिट्टी का रोड है जंगल के बीचों बीच बुढ़िया माई के स्थान जाने के लिए, तो मिट्टी है उस पर बारिश हुई है तो काफ़ी कीचड़ हो गया है, गाड़ी की पहिया फिसल रही है, बहुत ही सावधानी से संजीत भाई गाड़ी चला रहे हैं इसीलिए इनको चालक का अवसर दिया गया है, यही चालक बने, नहीं तो हम तब तक हिमला गए होते एक आध बार। अभी उधर से काफ़ी लोड रहेगा पेड़ दो बोरा पेड़ रहेगा, कम से कम 20-30 पेड़ तो रहेंगे हम लोग के साथ। देखिए हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंच ही चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में एक ट्रेन जाने वाली है। देखिए रेलवे क्रॉसिंग,
नई पटरी ऐड की जा रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था इसीलिए ट्रेन लेट होती है। अब ये एक पटरी ऐड करने से काफ़ी आसानी हो जाएगी, ट्रेनें लेट नहीं होंगी, काफ़ी टाइम का सेव होगा, समय बचेगा यात्रियों का, सुलभता होगी यात्रा में। आप भी पर्यावरण की सुलभता के लिए दो चार पेड़ लगाइए, अपने भविष्य की पीढ़ियों की सुलभता के लिए दो चार पेड़ लगाइए। देखिए जगह जगह कीचड़ है, अच्छे चालक हैं हमारे साथ, बढ़िया से हम लोगों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाएंगे। बारिश हुई है, हमारे लगाए हुए पौधों को खूब पानी मिल रहा है, बेचारे गर्मी में प्याज के मारे तड़प तड़प के कितने दम तोड़ दिए हैं। उनके जगह से दोबारा तिबारा चौबारा लगाया गया है। देखिए एकदम से कचड़े से भरपूर चक्रोट कहेंगे हम लोग इसको, पानी भरा हुआ है। संजीत भाई रास्ते पर ध्यान दीजिए, कमेंट्री मत दीजिए। मतलब वो इतना बढ़िया बोल रहे ना कि इससे बढ़िया हो रहा है। देखिए खतरनाक रास्तों से चालन करते हुए संजीत भाई। देखिए एकदम कचड़े में घुसाते हुए, कहीं हम लोग ढिमलान मत जाएं। और उन लोगों को पेड़ देने में सुलभ होता है इन कीचड़ के मौसम में, अगर सूखा पर रास्ता रहता तो हम लोग आसानी से ले चले जाते, लेकिन जब बारिश हुई है तब ये लोग देने के लिए बोले तो भाई तभी आएंगे ना। क्योंकि है सरकारी नर्सरी, इसीलिए वो हमेशा मानसून के मौसम में ही पौधे हमें देते हैं, अन्य किसी सीजन में जाते हैं तो पौधे लगभग नहीं ही मिलते हैं। बहुत ही सोर्स लगाने से पौधे प्राप्त होते हैं हमें, वो भी हमारी चाहत के अनुसार नहीं, उनके अकॉर्डिंग पेड़ मिलता है हमें, जो वो कहेंगे उन्हीं में से ऑप्शन रहेगा कि आप इन्हीं में से लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। रास्ता देखिए काफ़ी ख़राब है, इधर से तो केवल हम तीन लोग बैठे हैं, उधर से आने में तो भगवान है, पांच का भगवान है। देखिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को दो बोरा लेके आने में, अभी तो हम लोग बस अब लगभग पहुंच रहे हैं। देखिए ये कुत्ता विचरण करता हुआ, जंगली है, जंगली कुत्ता। और देखिए ये सरकारी पौधा लगाया गया है, ये जगह बीच में खाली था, बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है हमें देख के, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, ईश्वर करे इनमें से 80% से ऊपर जो है पेड़ बच जाएं, क्योंकि ये जानवर चर रहे हैं, इनमें से संभावना तो कम के बचने की है। देखिए बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, किसी तरह से हम लोग, अभी तो पौधा नहीं है हमारे साथ में तो इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, पौधा रहेगा। देखिए ये दो बोरा लिए हुए हैं, इसमें दो बोरे में पेड़ भरेंगे हम लोग, जितना मिल जाएगा उसके बाद लेक चलेंगे, ईश्वर आराम से पहुँचाएँ हम लोगों को, बड़ी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल पर्यावरण के प्रेम के लिए तो ये कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा समस्याओं का सामना करेंगे हम लोग, और कर चुके हैं, और कर चुके हैं, कर रहे हैं चार साढ़े चार पाँच साल से। जैसे एक कहावत है, ये तो वो संगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है, उस हिसाब से हमारी अभी बहुत लड़ाई है और हम करेंगे, एकदम करेंगे। देखिए ये जो नीली मच्छरदानी दिख रही है आपको, जाल दिख रही है, वो एक पौधाशाला है, फिर एक पौधाशाला ये है जो फील्ड के बाद जो दिख रहा है वो पौधाशाला ही है, और फिर एक पौधाशाला जो इस कैमरे में आपको कोई मकान दिख रहा है अगर वाइट कलर का, तो वो मकान भी पौधाशाले के अंतर्गत ही आ रहा है। बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अरे सरकारी, देखिए ये छोटा सा आम का बगीचा लेकिन काफ़ी बड़ा है, जंगल ये जंगल के हिसाब से तो छोटा सा ही है। देखिए जो है नज़ारे, कैसा नज़ारा है,
रास्ते भर कीचड़ है, फिसलते हुए मोर्चा लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। किसी तरह से पहुँचेंगे, बस पहुँच ही गए हैं। देखिए ये कर्मचारी दिख रहे हैं पौधा वाले के अंदर, टाली में पेड़ लादा जा रहा है। देखिए डंपर में लादा जा रहा है, टाटा एस में हम लोग बोरे में ले जाएंगे लाद के, क्षमता के हिसाब से। देखिए बागीचे का आम तोड़ा जा रहा है और ये हम लोग पौधाशाले में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और ये रामगढ़ पौधाशाला रेंज का नाम तिलकुनिया, प्रभाग का नाम गोरखपुर वन प्रभाग। देखिए सब अलग अलग विभागों में पौधे जा रहे हैं। ये देखिए पहुंच चुके हैं यहाँ, कुछ ये अधिकारी हैं कोई, इनसे हम लोग संपर्क करेंगे अभी, देखते हैं पौधे किस तरीके से प्राप्त होते हैं हमें। काफ़ी बड़ी पौधाशाला है, पहुंच चुके हैं तो आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं आपको। देखिए इतने पेड़ मिले हमको, ये सारे पेड़ लेके हम लोग चल रहे हैं। देखिए कितने सारे बंदर, बहुत सारे बंदर ये हैं, गाड़ी भी लादे हुए हैं। देखिए 20 पेड़ हैं तकरीबन। इसमें कचनार है, हरसिंगार है, जामुन है, अर्जुन है, चिलविल का पेड़ है, यही सारे हैं। देखिए अलग ही पोज। चलो कौन बात ना है। देखिए हम लोग ये विनोद वन पहुंच चुके हैं, पार्क है, सड़क के उस पार बुढ़िया माता मंदिर का स्थान है और इस पार विनोद वन पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे नवयुवक जोड़े आते हैं, मेल मिलाप करते हैं अपना। देखिए ये नवयुवक जोड़ों का काफ़ी पसंदीदा स्थल है। देखिए बुढ़िया माता मंदिर जाने के लिए रास्ता काफ़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे पर्यटक। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है, दूसरा रास्ता ढूंढते हुए गए हम लोग। देखिए एक जगह पहुंचेंगे जो जहां से हम लोग पेड़ खरीदे हैं, वो एक रास्ता बताया है कि इधर से होके नहीं जाइए, उधर से होके जाइए। देखिए ये कीचड़ से रास्ता मिला है, फिर यहाँ से एक बार घुमाएँगे। रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, काम चल रहा है इसीलिए ये रेलवे ट्रैक्स रास्ता बंद है। हम घुमा लिए हैं फिर से, फिर उसी रास्ते जाएंगे जो कि रास्ता हमें मालूम नहीं है कहाँ जा रहा है। रास्ता हमारा डेढ़ गुना बढ़ गया है जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं। अब जाके ये मेन रोड हाईवे पे पहुँचे हैं अपने, जहाँ से हम पहुँच रहे हैं। देखिए ये जंगल के रास्ते आ चुके हैं हाईवे पे, घर पहुँच गए। देखिए ये दो तीन बोरे में पेड़ हम लोग लेके आए हैं, ये गांव से लाया हुआ कल का पेड़ है, ये हरसिंगार, ये कनेर है, नीम है, ये बाकी हमारा स्टॉक है पहले का, जो वी पार्क से और जंगल के जो नर्सरी है वहां से लाए हैं। इनमें से अभी ला के रखा गया ये बड़ा बड़ा पत्ता जो है, ये परास का पेड़ है, बाकी ये सब हमारी नर्सरी है, बफर स्टॉक में काम आता है ये सारा। तो हमेशा से आपसे निवेदन रहता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, थोड़ी बहुत जगह मिले आसपास में, अगर आसपास में जगह नहीं है तो गमले में लगाइए।
लेकिन पौधारोपण अवश्य करिए, बहुत ही चैन सुकून देने वाला काम है। आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप भी पौधारोपण करें और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ योगदान दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पर्यावरण के सहयोगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले पौधारोपण को और भी करने के लिए। आज के आप लोग हमारे अथक परिश्रम को देखे हैं, तो आप भी कुछ सहयोग करें। आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सहयोग देंगे। धन्यवाद।